वेलकम टू आर्ना फूडी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गिरमिट। आप सोच रहे होंगे गिरमिट क्या है, तो ये गिरमिट है नॉर्थ कर्नाटका की एक स्नैक है। जिस तरह से भील पूरी होता है, ये उसी तरह का कुछ स्नैक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये देखते हैं। और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको मॉर्निंग में या फिर किसी भी टाइम खा सकते हैं स्नैक के रूप में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गिरमिट। गिरमिट बनाने के लिए चाहिए पफ राइस यानी मुरमुरे, और चाहिए हमें बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च। मैंने एक प्याज लिया है, दो हरी मिर्च ली हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और लेंगे एक बड़ा चम्मच गुड़, दो बड़े चम्मच इमली का पानी, एक छोटा चम्मच हल्दी और मिर्च, और ये है बेसन जो मैंने भून लिया है, और राई और जीरा। गार्निश के लिए टमाटर और प्याज, और ये है नमकीन, जो वो बारीक वाला नमकीन होता है जो चाट वगैरह में यूज़ होता है, ये वो है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे हम नमक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने ले ली है कढ़ाई, इसमें मैं डालूंगी दो छोटा चम्मच ऑयल, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मुरमुरे, इसको अच्छे से फैला लें पहले। अब इन्हें कुरकुरे होने तक हम इन्हें भुनेंगे। ऐसा करने से इसमें जो हम बनाएंगे गिरमिट उसमें करारापन रहेगा थोड़ा सा, ये जल्दी नहीं गलेंगे। गिरमिट मसाला बनाने के लिए हमने कढ़ाई में दो चम्मच ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे राई और जीरा। अब इसे तड़कने तक वेट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, इसको पहले अच्छे से चला लें जिससे ये भुन जाए अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता, डालेंगे हरी मिर्च, और डालेंगे प्याज जो हमने बारीक बारीक काट रखा था। अब हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। प्याज हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी और मिर्च। तो ये गिरमिट मसाले में आपको हर तरह का टेस्ट मिलेगा। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को रखें मीडियम। इसमें आपको हर तरह का टेस्ट मिलेगा, खट्टा मीठा तीखा। अब डालेंगे नमक, ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी होता है। अब इसमें डालेंगे हम दो चम्मच गुड़। तो आपने देखा होगा इसमें हर एक चीज़ आ गई है, मिर्च भी है, मीठा भी है, नमक भी है और खट्टा भी है। अब इन्हें हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, ये कर्नाटका की फेमस स्नैक है। ये देखिए मिक्स हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था बेसन, वो एक चम्मच डालेंगे, एक छोटा चम्मच, और इसे मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है मसाला, ये अच्छे से भुन गया है बेसन डालने के बाद, थोड़ा ड्राई हो जाता है। अब हमें इतना ड्राई नहीं रखना है इसे। हमें इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है क्योंकि हम इसे मुरमुरों में मिलाएंगे तो मुरमुरे ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, और इसे थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड रखना है। इसमें डालेंगे आधा नींबू, नींबू ऑप्शनल है क्योंकि हमने इमली का पानी भी डाला था, तो इसलिए
मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ नींबू। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये गिरमिट मसाला हमारा ये रेडी होने वाला है। ये देखिए, अब ना ज़्यादा ये ड्राई है और ना ही ज़्यादा ये पतला है, अच्छा सा थिक जैसा। मैंने ले लिए मुरमुरे। अब मैं लूँगी एक बड़ा बाउल जिसमें मिक्स करने में आसानी रहेगी, तो हम इसमें डालेंगे अब मुरमुरे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा गिरमिट मसाला है, उसको डालेंगे। गिरमिट मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, प्याज, हरा धनिया, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आ गया है इसका, जितना अच्छा ये ऐसे दिख रहा है वैसे इतना अच्छा खाने में भी है। ये गिरमिट हमारा रेडी हो गया है। अब ये देखिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। जितना अच्छा ये दिख रहा है उतना अच्छा ये खाने में भी लगता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे सेब। और थोड़े से टमाटर कटे हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, किरमिट रेडी है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।